तो हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का दोबारा से मेरे चैनल पे। और आज का जो व्लॉग है थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं आपको एक लेके जाने वाला हूँ मेरे नए ऑफिस पे, जहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए हैं अभी हाल फिलहाल पुराने ऑफिस से। और ऑफिस भी दिखाऊंगा और एक एक्चुअली में हमारी एक छोटी सी मीटिंग भी है, क्योंकि आपको पता ही है कि जब भी कोई ट्रैवल कंपनी कोई टूर ऑर्गेनाइज करती है और जब वो ग्रुप लेके जाती है, तो ग्रुप ले जाने से पहले गेट टुगेदर मीटिंग होती है। और उस गेट टुगेदर मीटिंग में अभी मेरे को जाना है, तो वहाँ पे देखते हैं कैसे मीटिंग होती है, कैसे डिस्कशन होता है। क्योंकि इंडिया में तो जो टूर जाता है वो अलग चीज़ है, बट इंडिया के बाहर जब टूर जाता है तो टूर मैनेजर साथ में जाता है, वो भी मिलेंगे हमें। और चलते हैं फिर वहाँ पे ऑफिस चलते हैं अभी। और बाइक लेनी है मेरे को, क्योंकि बाइक मेरे पास है नहीं अभी। मैं यहाँ से पहले शेयरिंग में जाऊँगा, फिर भैया से बाइक लूँगा उनके ऑफिस जाके, उसके बाद मैं 32 माइलस्टोन जो गुड़गांव में अवेलेबल है वहीं मिलते हैं फिर। तो पहले नए ऑफिस देखेंगे, फिर 32 माइलस्टोन जाएंगे, देन उसके बाद ब्लॉक पॉइंट करेंगे। तो चलते हैं फिर, चलिए। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही आगे जाके रिक्शा मिल जाएगी हमें। और मौसम थोड़ा सा धूप वाला है, तो छाँव भी होती जा रही है, धूप भी होती जा रही है, कि मौसम का कोई भरोसा नहीं कब बदल जाए। तो चलिए रिक्शा पकड़ते हैं। तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ बाइक लेने के लिए। और मौसम देख रहे हो, मौसम एकदम बदल गया है। घर से निकला था बहुत तेज़ धूप हो रखी थी, अभी फ़िलहाल मौसम ठंडा हो रखा है। वेदर बहुत अच्छा है, ऊपर का व्यू दिखाता हूँ आपको। देखो बादल, देखो कितना बढ़िया लग रहा है, पूरा मौसम ठंडा हो चुका है। चलो बढ़िया है। तो बाइक आ गई, अब चलते हैं ऑफिस। क्या है, गोप्रो नहीं, नहीं तो बहुत सारे शूट हेलमेट से ही हो जाते, बट फ़ोन को कैरी नहीं कर सकते। तो चलिए, रोड पे जो शॉट्स हैं वो तो दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि बाइक ड्राइव करते समय पॉसिबल नहीं है। तो चलते हैं ऑफिस, ऑफिस में देखते हैं। तो फ़ोन से मैं फ़िलहाल शूट कर रहा हूँ, क्योंकि बाइक बहुत स्लो है और थर्ड गियर में इसमें रेस देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, तो ये अपने आप चलती रहती है। ठीक है, कई किलोमीटर तक चल सकती है इजीली, गियर भी नहीं अटकता इसका, तो ये बहुत अच्छी बात है, गियर कहीं रुकती नहीं है। चलो ऑफिस के आसपास पहुंच ही गया हूँ मैं। तो इधर अपना शंकर चौक है और यहीं इसी रोड पे ही मेरा ऑफिस है, तो ऑफिस के अंदर चलते हैं। तो बाइक को कर दिया खड़ी पार्किंग में, और ये हमारा ऑफिस कुछ इस तरह से पार्किंग, ठीक है पूरा। और चलो पहले ब्लू डार्ट के ऑफिस जाना, किसी गेस्ट का पासपोर्ट है वो लेके आना है मेरे को, तो वहीं चलते हैं डायरेक्ट। तो पासपोर्ट ले लिया मैंने, और ये ब्लू डार्ट का ऑफिस, ठीक है, और ये हमारा ऊपर इसी के ऊपर है अंदर। सो अब चलते हैं नीचे, बैंक ऊपर ऑफिस, नीचे कॉरियर वाला, अलग अलग ऑफिस हैं बहुत सारे। चलो चलो चले ऑफिस पे। ऑफिस चलो, ऑफिस ओपन करते हैं, अंदर लाइट चलाते हैं। तो ऑफिस के अंदर आ गया, अभी ऑफिस हाल फिलहाल सेट हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें अभी मॉडिफिकेशन होनी बाकी है, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे कहते हैं ना कि इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह बाकी है अभी बहुत कुछ, तो अभी धीरे धीरे होगा। हाल फिलहाल शिफ्ट हुए हैं तो सारी चीज़ें एकदम से तो होगी नहीं, तो जल्दी हो जाएगा मेरे ख्याल से, इस नेक्स्ट वीक के अंदर सारी चीज़ें डन हो जाएंगी। फिर अभी जो आप देख रहे हो ये इस तरह का नहीं दिखेगा, कुछ अलग ही दिखेगा, ठीक है। तो अभी जो मैं जिस काम के लिए आया हूँ, मेरे को यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स लेने थे लोगों के लिए जो वहाँ पर आ रहे हैं मीटिंग के लिए, और गिफ्ट्स के अलावा उनके कुछ पैकेट्स हैं जिनमें उनकी टिकट्स वगैरह होती हैं, तो वो भी हैंड ओवर करना है। तो मैं फटाफट वो सब चीज़ें एक बैग में डाल के रेडी कर लेता हूँ, ताकि ले जाने में मेरे को इजी हो जाए। और आज सैटरडे है, तो सैटरडे को कोई ऑफिस में आता नहीं, सैटरडे ओबियसली हम लोगों का वीक ऑफ होता है, ये सैटरडे संडे का। तो अब मेरे को तो आना पड़ा क्योंकि मीटिंग सैटरडे पर रख दी गई है। तो चलते हैं फिर थोड़ी देर में, तब तक मैं फटाफट से सारे काम निपटा लूँ। और अराउंड मेरे को वहाँ पर 3 बजे पहुँचना है, 3 साढ़े 3 के बीच में, तो वहाँ पर टाइम से ही पहुँचेंगे। अभी एक और कलीग है, उसका मन नहीं लग रहा था घर पे, तो उसको मैंने बोला ठीक है आ जाओ, तो अभी वो भी आ जाएगा थोड़ी देर में,
1-2 घंटे बैठेंगे, फिर डिस्कस करके निकल जाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक मैं कुछ चीज़ें रेडी कर लेता हूँ। ओवरव्यू दे देता हूँ ऑफिस का, फिलहाल ज़्यादा कुछ सेट हुआ नहीं है तो अभी आपको कुछ देखने में मज़ा भी नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और बाहर का व्यू थोड़ा अच्छा है क्योंकि बाहर कुछ इस तरह का देखने को नज़ारा मिलता है, क्योंकि बादल वगैरह जो देखने को मिलते हैं यहाँ से सुकून सा मिल जाता है कई बार देख के। और यही है जो है, बाकी अभी जब सेट हो जाएगा तो कुछ अलग ही दिखेगा आपको, तो उस पर अलग से व्लॉग बनाया जाएगा, अलग से व्लॉग बनाएंगे उसके ऊपर, क्योंकि बिफोर आफ्टर वाला, कहने का मतलब बिफोर आप लोगों ने देख लिया है, आफ्टर मैं आपको कुछ टाइम बाद दिखाऊंगा जब यहाँ पे चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल तो दिख रहा हुआ है सब कुछ क्योंकि हाल फिलहाल शिफ्ट हुए, कोई बात नहीं। तो देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कुछ बदलता है, ठीक है। तब तक हम लोग तैयारी कर लेते हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये है उनको देने के लिए गिफ्ट्स, पासपोर्ट होल्डर। और ये होल्डर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा भी होगा, पिछले जो मैंने कुछ दिन पहले मार्केट का ब्लॉग डाला था उसमें मैं ये परचेज़ करने गया था, ये छोटे मोटे इवेंट्स के लिए, क्योंकि हर टूर में कुछ ना कुछ कंपनी की तरफ से गुडी दी जाती है, गिफ्ट दिया जाता है। तो ये पासपोर्ट होल्डर है जो हम गिफ्ट के लिए दे रहे हैं, और ये बैग जिसमें अभी मैं इसको पैक करके ले जाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए पैक कर लेते हैं इसको फटाफट से। ऑल राइट, तो पैकिंग हो गई, तो बस निकल रहे हैं अब, तैयारी हो गई जाने की। पीयूष भाई आ गए साथ में, ठीक है, तो दोनों निकलते हैं फिर। ऑल राइट, तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ 32 माइलस्टोन में, और बस मेरे को कैफ़े ढूंढना है, वो कैफ़े कहाँ पर है जहाँ पर हम लोगों की मीटिंग है, ग्रीनर कैफ़े। तो देखते हैं वहाँ पर चलते हैं, पता करते हैं कहाँ पर है कैफ़े, इस तरह से माहौल है यहाँ का। और मुझे ढूंढना है ग्रीनर कैफ़े, तो ढूंढते हैं कहाँ पे ग्रीनर कैफ़े, देखते हैं। ये है कुछ इस तरह का माहौल, ठीक है, बहुत अच्छा बना रखा है यहाँ पे बैठने के लिए, आप कहीं भी बैठो एंजॉय करो। ये जो लोग जा नहीं सकते उनको लेके जाने के लिए, और ग्रीनर कैफे है कहाँ मुझे वो ढूंढना है, क्योंकि हम लोगों का गेट टुगेदर वहीं पे है, तो देखते हैं कहाँ पर है पता करते हैं। तो बहुत अच्छी बना रखी है, ठीक है, वो कुछ अलग तरह का माहौल बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो, हमारा कैफ़े ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे, ग्रीनर कैफ़े, ये बोर्ड लगा हुआ है उसका, दिख नहीं रहा होगा अभी, तो पहले ढूंढ लेते हैं फिर दिखाते हैं कैफ़े। ऑल राइट, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ, लगभग सभी लोग बैठे हुए हैं और भी गेस्ट वहाँ से बाकी हैं, तो मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। तो अभी उस गेस्ट का इंतज़ार हो रहा है, जैसे जो लोग आ जाते हैं उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना चालू, उसके बाद उन लोगों का जो टिप्स वगैरह वो उनको हैंड ओवर करेंगे। तो वेट करते हैं उन लोगों का, अभी मैं कैफ़े से निकल के थोड़ा बाहर टहलने के लिए आ गया हूँ, क्योंकि लोगों को आने में टाइम लग रहा है, उस चक्कर में थोड़ा वेट कर रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो बोर हो रहे हैं, इससे अच्छा घूम के आ जाते हैं। मेरा माहौल कुछ ज़्यादा ही अलग है, सुरक्षा माहौल, व्यू पॉइंट भी बहुत अच्छा है, ठीक। तो ओवरव्यू थोड़ा वो देखते हैं कैसा है, ऐसा ओवरव्यू। मैं एक इस टावर में हुई हूँ, मैं इसी में वो कैफ़े है जहाँ मैं बैठा हुआ था, और मतलब जगह तो बहुत अच्छी है, मतलब यहाँ पे घूमने आ सकते हो, ठीक है, अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो।
करेगा और गेस्ट भी हमारे आ गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और लगभग सही बताऊँ तो अभी 20% ही लोग आए हैं, अभी बहुत सारे लोग आने बाकी हैं, कुछ लोग ट्रैफिक में भी फंसे हुए हैं, तो उनका भी वेट करें। जैसे ही वो आते फिर देन गेट टुगेदर स्टार्ट करते हैं, मीटिंग स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करके खत क्लोज करते हैं उसको फटाफट। तो सारे गेस्ट आ गए हैं यहाँ पे और डिस्कशन चल रहा है, और वो हमारे टूर मैनेजर हैं हरजिंदर पाल सिंह, जो उसके बारे में बता रहे हैं कैसे किसको क्या फॉलो करना है, कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है। तो ये एक डिस्कशन हो रहा है, इस डिस्कशन के बाद और फिर उसके बाद वो वापस चले। तो ओके, तो फिर सब कुछ हो गया, ऑलमोस्ट डन हो गया सब कुछ, सारा डिस्कशन ख़त्म हो गया और सब लोग चले गए हैं। अब मैं बस यहीं रहेगा, तो मैं भी अभी निकल रहा हूँ, लगभग 7 बज चुके हैं, 4 बजे से पहले मैं आ चुका था और बहुत मज़ा आया, ठीक है। और अब घर की तरफ चला जाए, ठीक है, मेरी बाइक पार्क है। और शाम को यहाँ का कैसा नज़ारा होता है वो भी मैं थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि आप लोग भी आएँ यहाँ पे एंजॉय करें, बहुत कुछ है देखने को यहाँ पे। पूरा भी मैं घूमा भी नहीं हूँ सही से, फिर कभी फुर्सत में आऊँगा तो और अच्छे से घूमेंगे इसको, तो देखते हैं ओवरव्यू। ये कुछ इस तरह से है शाम के टाइम का नज़ारा, ऑलमोस्ट सामने इस ग्रीनर में हम लोग गए थे डिस्कशन के लिए, और ये बहुत अच्छा सुकून वाला है, लोग एंजॉय कर रहे हैं हर मोमेंट को, बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है शाम के टाइम का, ग्रेट। तो अब फाइनली घर आ गया मैं, और बहुत अच्छा दिन था आज का, सब कुछ अच्छे से हो गया और मैं सही से घर पे भी आ गया टाइम से, ऑलमोस्ट जिस टाइम को एक्सेप्ट किया था वही टाइम पे मैं घर पर पहुँच चुका हूँ ऑलमोस्ट। और होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इस छोटे से ब्लॉग में, और ऐसे ही जहाँ भी मेरे को मौका मिलेगा एक्सप्लोर करने के लिए, चीज़ों को देखने के लिए, मैं आपको वो चीज़ें दिखाता रहूँगा। तो ऐसे ही अपना साथ देते रहिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, ओके, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।